हाँ जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं मॉन्क्स का वीडियो बनाते रहता हूँ, मतलब उन लोगों को पता नहीं होगा जो लोग इस चैनल पर नए हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग कर चुके हैं सब्सक्राइब उन्हें दिल से धन्यवाद, और आपको करने के बाद भी आपको भी धन्यवाद। तो मैं इस चैनल में अनबॉक्सिंग के वीडियो डालते रहता हूँ, यानी कि नए नए प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लाइव बताते हैं कि उसको कैसे यूज करना है, ये रियल में वर्क करता है या नहीं करता है, यानी कि टोटली आप जाने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और सारा कुछ इस वीडियो में बताता हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस, यही वो प्रोडक्ट है जिसे मैं आज अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो आप लोग को बता दूँ, ये अमेजोन से मंगाया, लेकिन एक बात बता दूँ कि अमेजोन से मंगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का, मतलब इसका पैकिंग जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, और काफ़ी अच्छे से किया भी हुआ है। तो चलिए इसको काट लेते हैं, क्या प्रोडक्ट है मैं बताता हूँ अभी। ये वही प्रोडक्ट है जिन्हें एक बंदे ने बताया, बोला था कि मुझे लादे छोटे सा फ़ैन का अनबॉक्सिंग वीडियो बना दीजिए, और लाइए बताइए उसको कैसे यूज़ करना है। सो वही वो फ़ैन है, आप अगर देख रहे होंगे जो इन्होंने बोला है, और आप लोग भी जो नहीं बोले उन लोगों के लिए भी, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो फैल सके और वो भी जान सके। ये देख सकते हैं, इसका प्राइस मैं लास्ट में बता दूँगा। अभी आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन वगैरह, इसमें तो और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका बारे में पूरा टोटली लिखा हुआ है, यहाँ पे कलर रिचार्जेबल सर लिखा हुआ है, इसके बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, एडजस्टेबल थ्री स्पीड, यानी थ्री बार बटन को पर से प्रेस करना पड़ेगा, थ्री मोड से में चलता है स्पीड में, और इधर भी लिखा हुआ है देख सकते हैं इधर, और इधर भी ये सब देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है, पावरफुल फैन इसमें डाला हुआ है, सो लिखा हुआ है, एयर कूल जेट्स लिखा हुआ है, इधर से नहीं पता चल रहा था। यहाँ पे सात कलर चार्जिंग लाइट एलईडी लाइट दिया हुआ है जो 7 कलर का चलता है, और भी यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, इस फैन को देख सकते हैं, काफ़ी हैवी लग रहा है देखने में, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब बनाया है इसको। और एक बात बता दूँ ना, उस टाइप से लग रहा है, इसमें चार्जिंग दिया हुआ है जो टेप सी है, और यहाँ पे इसका कार्ड दिया हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे उस टाइप से दिया हुआ है जो पहले सोना वगैरह भी सोनार के घर में जो तोलने वाला रहता है, वो टाइप से लग रहा है। चलिए इसको कैसे कैसे यूज करने में अभी बताता हूँ। यहाँ पे इस फैन को देख सकते हैं कितना मस्त दिया हुआ है इसको, मतलब ये आराम से पैकेट में आ जाएगा। तो गाइस, आप लोग इसका लुक देख सकते हैं किस प्रकार से, इसको काफ़ी हैवी तरीके से इसका बनाया हुआ है डिजाइन वगैरह, और काफ़ी इस पर रिसर्च करने के बाद लगता है बनाया है, तो देख सकते हैं। ये शायद ये तो मुझे इधर से दिया हुआ है, मतलब अभी पता चला मुझे इधर से, आप इस प्रकार से एक मिनट यार, ये इसलिए इतना टाइट देता है ना जिससे पानी बाहर ना निकले, इसमें पानी डालने वाला है, इसमें आप पानी डाल दीजिएगा, और ये जो दिया हुआ है ना, आप इसको ऐसे जैसे ऑफिस वगैरह में आप वर्क करने कहीं भी, तो आप ऐसे आराम से रख के आराम से लैपटॉप वगैरह कुछ भी चला सकते हैं ऐसे ऑन करके इसको। और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसे फर्स्ट बार ऑन करने के बाद पूरा स्विच चलता है, उसके बाद मीडियम, उसके बाद प्रेस करने के बाद लो हो जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और इधर चार्जिंग केबल दिया हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ज करने के लिए टेप्स का दिया हुआ है, और यहाँ पे शायद बटन दिया हुआ है, पता नहीं बटन क्यों दिया हुआ है, अभी बता देता हूँ। ये बटन शायद है पानी के लिए, अगर पानी नहीं चाहिए आपको, पानी इसमें नहीं पास करना है तो नहीं, और पानी वाला अगर चलाना है तो पानी वाला यहाँ से टिपना पड़ेगा। चलिए पहले अभी इसको मैं पानी डाल लेता हूँ, उसके बाद चलाने देते हैं हम लोग। देख सकते हैं पानी डालने वाला किस प्रकार से दिया वैसे, नीचे डालने वाला है पानी। देख सकते हैं भर गया पानी, छोटा है ना इसके वजह से काफी कम पानी देता है, अभी आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा पानी, देख सकते दिख रहा है इस तरह से हिल रहा है सो,
तो गाइस आप लोग, मैं फाइनली इसमें पानी डाल चुका हूँ और पानी डालने के बाद अब इसको ऑन करने का टाइम है। तो चलिए, काफ़ी देर का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। ऑन हो गया और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा हवा देता है यार। अब इसको ऑन करके देखता हूँ कैसा आता है। इधर गया, तो कलर चेंज हो रहा। एक मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा साथ आने आने के लिए। काफी ज्यादा स्पीड चल रहा है। मैं इसको साउंड सुना के दिखाता आप लोगों को, देख सकते हो। ज्यादा प्रेशर के साथ आता है इसमें। ये बटन एलईडी के लिए है, सॉरी मैं पानी के लिए बोला था, ये एलईडी बल्ब के लिए है। इसका पानी जो है इसको पता नहीं चल रहा है आ रहा है कि ऐसा। इधर भी कोई भी बटन ऐसा नहीं है जो दिया हो इसमें। अरे वाह, ये पानी डालने के बाद इसको प्रेस करने के बाद देख सकते हैं काफी ज्यादा और काफी अच्छा ठंडा लग रहा है यार। तो सोच नहीं सकते जितना ज्यादा ठंडा लग रहा है, काफी ज्यादा हैवी फील हो रहा है। देख सकते इसको कैसे पानी, कितना स्पीड पानी इसके से निकल रहा है इसे, देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, देख सकते हैं। इसको ऐसे रखने के बाद थोड़ा सा पानी आने लगता है बाहर ज्यादा है। इसको इस प्रकार से रखना पड़ेगा एक मिनट ऐसे। वर्क करते रहिए, लैपटॉप वगैरह कुछ भी चला रहे हैं चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे विश्वास नहीं था कि इतना ज्यादा अच्छे से वर्क तरीके से वर्क करेगा। जितना ज्यादा छोटा है जितना अच्छा से वर्क कर रहा। आप लोगों को दिख रहा हो कितना प्रेशर के साथ पानी बाहर निकल रहा है। पानी ऐसा नहीं पानी पूरा आ रहा है, पूरा एकदम हवा बना दे रहा है इसको। काफी हैवी मोटर लगाया हुआ है इसमें, लेकिन हाँ दोनों से बराबर ही आ रहा है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वर्क कैसे कर रहा है। जो जिन्होंने बनाया इस प्रोडक्ट में उसको मेरे तरफ से दिल से थैंक यू यार। क्या हैवी बनाया है यार। तो गाइस आप लोगों ने देखा, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रियली कि कितना ज्यादा स्पीड है। देख सकते हैं मैं बाल इधर कर रहा हूँ, देख सकते हैं मेरा बाल बड़ा नहीं है इसके चलते। इसको दिखाता हूँ अभी, देख सकते कैसे हिल रहा है, कितना ज्यादा दबाव दे रहा है, मतलब दबाव दे रहा है इसको, देख सकते। काफ़ी ज़्यादा वर्क करा यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। मुझे अनबॉक्सिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिनको भी आया हो, ऐसे तो लग रहा है कि मुझे सारे लोगों को आना चाहिए। ये 800 का है, मैं 825 के इसको अमेजोन से। तो देख सकते कितना ज़्यादा स्पीड, ऐसा नहीं है कि मतलब पानी भी ख़त्म। मैं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ देगा तो पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमें लगता है कि ये केवल पानी ना आराम से एक घंटा तक, आराम से इसमें जितना भरा हूँ उतना आराम से आधा घंटा तक रह के वर्क करेगा ये। और काफी ज्यादा पानी दे रहा है यार, आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा ठंडा हवा दे रहा है। ऐसा नहीं कि गर्म हवा दे रहा है, क्योंकि पानी के साथ भी आ रहा है। मैं क्या ही बोलूं उनको जिन्होंने बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना ही इसमें फ्यूचर है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन चार्ज लगाने के बाद आराम से 2-3 घंटा तो आराम से टिक जाना चाहिए। अगर एक रूम छोटा सा रूम है ना जिसमें शीशा वगैरह आप लगा के रखे हैं, दरवाजा वगैरह खुला नहीं रहता, तो काफी अच्छे से एक रूम को आराम से ठंडा कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा जितना छोटा है उतना, पर जितना छोटा ना उससे ज़्यादा, मतलब ना जितना छोटा उससे कभी 10 गुना ज़्यादा वर्क कर रहा है ये फैन। छोटा भी है, पैकेट वगैरह में कहीं भी आप चार्ज के लेके जा सकते हैं, कहीं भी रिचार्जेबल है जिससे आप चार्ज करके कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका। रास्ता वगैरह में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं आप।
मुझे तो काफी अच्छा लगा, पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइस मैंने इस फैन को पूरी अच्छे तरीके से चला के दिखाया और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल भी रहा है, और इसमें जितना कुछ था वो सारा कुछ इस वीडियो में बताया कि कैसे इसको यूज करना है, कहाँ पे पानी डालना है, कैसे चार्ज लगाना है, सारा कुछ मैं बताया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मैं मेहनत करता रहता हूँ, आज भी यहाँ लगभग ना 10 दिन हो गया लेकिन करंट नहीं आया, फिर भी मैं एक लाइट को जला के कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आई होगी होगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड।